नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला है, पर्पस ऑफ चैरिटी मस्ट बी कन्वर्जन। मतलब अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो आप दूसरों की मदद करो, उसको खाने पीने की जगह दो, रहने की जगह दो, उसको कंबल वगैरह बांटो, बट इन सब चीजों के बदले में आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा। तो ये चीज के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिए, क्या दिया है इसको देखेंगे। इससे रिलेटेड आज एक एडिटोरियल भी है। उसके बाद इंडिया और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बैठ के बातचीत की है, क्या बातचीत की है उसके बारे में बात करेंगे। फिर डेयरी प्रोडक्शन में मदद के लिए श्रीलंका इंडिया के पास आ रहा है। वैसे ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट श्रीलंका न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करता है, बट इंडिया से किस रिस्पेक्ट में मदद मांग रहा है इसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्लान की रिपोर्ट ये बोलती है कि 2022 में 10 करोड़ से ज्यादा लोग फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए हैं, और इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट दोनों आता है। मतलब यूक्रेन जंग में, ओवरऑल जंग की वजह से यूक्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाके लोग सेटल हुए, तो इसको इंटरनली डिस्प्लेस बोलते हो। खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए यूपी का एक किसान जाके महाराष्ट्र में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, इसको इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का नंबर ही अकेले 2022 में 10 करोड़ से ज्यादा है, इसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल में कोविड-19 पैंडेमिक फूड एंड सोशलाइजिंग को लेकर एक आर्टिकल है। क्लाइमेट चेंज के टॉक्स में क्या गड़बड़ी है इसके बारे में बात करेंगे। पैरोल और फर्लो रूल्स, पैरोल और फर्लो मतलब जो इंसान जेल में सजा काट रहा है उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, जाओ भाई अपने घर रहो, शादी अटेंड कराओ, किसी का मैरिज फंक्शन या डेथ फंक्शन अटेंड कराओ, फनरल अटेंड कराओ, इसके लिए जो छोड़ दिया जाता है बीच में कुछ समय के लिए, उसको पैरोल फर्लू कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में क्या नियम है, क्या केंद्र की सरकार पूरा एक नियम बनाएगी, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई, इसको देखा गया। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड व्हेन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम मैटर्स ऑफ फेथ। ये वही है, ओवरऑल धर्म परिवर्तन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातचीत की गई है। और ईरान की सरकार को अपना रिफॉर्मिस्ट स्टांस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोटेस्टर्स कहीं ना कहीं ईरान की सरकार को लंबा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये EWS कोटा को भी लेके एक आर्टिकल है, ये मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो 5 एडिटोरियल के आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ता हूं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन आपको दोनों मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें, ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो के एंगेजमेंट को यूट्यूब में बढ़ाने के लिए। व्हाट आर द डे देख लेते हैं। इन द फास्ट लेन, इन द फास्ट लेन मतलब आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो एक्साइटमेंट से भरी हुई है, भाग दौड़ रहे हो, नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, समझ गए। तो सेंटेंस व्हिच क्या है, व्हेन क्रिस टर्न्ड 40 ही डिसाइडेड टू लिव हिज लाइफ इन द फास्ट लेन, क्विट हिज जॉब फॉर हिज हॉबीज। फास्ट लेन मतलब आप चैलेंजिंग तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो, ओवरऑल नए नए चीजें करना चाह रहे हो, एक्साइटमेंट के साथ जी रहे हो, जिसमें आपको मजा आ रहा है, इंजॉयमेंट कर रहे हो, तो इन द फास्ट लेन का मतलब ये होता है। बोरिंग नहीं है कि रोज नौकरी जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सेविंग्स करनी है, बच्चे की शादी करनी है, इंटेंशन के बजाय एक्साइटमेंट के साथ डेली के बेसिस पे चैलेंजेस जीते जिंदगी जीना, तो आप कह दो इन द फास्ट लेन। चलिए, GS पेपर 2 और 1 जुडिशरी रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू डिसीटफुल कन्वर्जन। देखिए जस्टिस MR शाह यहाँ पे क्या बोलते नजर आ रहे हैं। Everybody has a right to choose their faith, but that does not mean luring somebody by giving something. If you believe that a particular community needs help, you help it. It is charity. But for the purpose of charity should not be conversion. मतलब अगर आपको लगता है कि सामने की किसी इंसान को मदद की जरूरत है, तो आप उसकी मदद कर दो, आप उसको पैसा दे दो, आप उसको रहने खाने की जगह दे दो, उससे ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हारे धर्म में आ जाएगा। तो मतलब आप किसी की हेल्प करो और एज अ पे बैक आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो अपना धर्म कन्वर्ट कर ले, ये सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को बोला। एक्ट्स ऑफ चैरिटी और गुड वर्क टू हेल्प अ कम्युनिटी और द पुअर शुड नॉट क्लोक एन इंटेंशन टू रिलीजियसली कन्वर्ट देम एज पे बैक। ये एक बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस MR शाह साहब ने बोला है। तो वॉलंटरली फेल्ट बिलीव से एक इंसान अपने आप को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन एल्योरमेंट, आप उसको कुछ साधन दे रहे हो, कुछ सुविधाएं दे रहे हो, और उस सुविधाएं के बदले उससे पे बैक मांग रहे हो कि वो आपके धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो एक सीरियस इशू है, उसको फोर्सिबल और डिसीटफुल कन्वर्जन कहा जाएगा, और ये अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे इस कॉज को डिस्कस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये यहाँ पे जस्टिस शाह साहब ने बोला है। ओके, देखिए, एवरीबडी हैज राइट टू चूज देयर फर्स्ट, बट दैट डज नॉट मीन ल्योरिंग समबडी बाय गिविंग समथिंग। इफ यू बिलीव दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी नीड्स हेल्प, यू हेल्प इट। It is charity, but the purpose of charity should not be conversion. Every charity or good work is welcome, but what requires to be considered is the intention. अगर आप charity कर रहे हो, मतलब आपका intention ये है कि आप दूसरे की मदद कर रहे हो। अगर उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हो, मतलब आपका intention मदद करने का ये था कि आप उसका धर्म परिवर्तन करना चाहते हो। फिर यहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट थे संजय हेगड़े साहब। संजय हेगड़े साहब ने बोला कि देखिए, कोई अपना धर्म बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से भी छोड़ सकता है,
तो इसको लेके एमआर शाह साहब ने बोला कि भाई बिलीफ एक बिल्कुल अलग थिंग है, अगर बिलीफ के बेसिस पे कोई अपना धर्म कन्वर्जन कर रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एल्योरमेंट के बेसिस पे धर्म कन्वर्जन कर रहा है तो डेंजरस है। अब यहाँ पे केंद्र की सरकार के बिहाफ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब एंट्री मारते हैं और बोलते हैं कि देखिए एक स्टेटूटरी मैकेनिज्म यहाँ पे होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो एक्चुअली में बिलीफ के आधार पर हो रहा है या एल्योरमेंट के आधार पर हो रहा है। आप कैसे पता करोगे जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिलीफ के आधार पर धर्म परिवर्तन सही है, एल्योरमेंट के आधार पर सही नहीं है? तो कोई ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए इन प्लेस, एक ऐसी न्यूट्रल अथॉरिटी जो कि ये पता करेगी कि जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो बिलीफ के आधार पर हुआ है या एल्योरमेंट के आधार पर हुआ है। अगर गेहूं, अनाज, धान, ट्रीटमेंट, मेडिसिन वगैरह दे के आप ये बोलो कि सामने वाला आके बिलीफ से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो गलत है, दैट इज स्पेसिफिकली एल्योरमेंट। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में देखिए तो बहुत सारी राज्य की सरकार ने भी धर्म परिवर्तन से रिलेटेड नियम कानून निकाले हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब यहाँ पे क्लियरली ये बोल रहे हैं कि भैया कुछ लोग बोलेंगे कि कन्वर्जन का राइट एक फंडामेंटल राइट है, बट मैं इसको अपोज करूंगा क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर कन्वर्जन कैसे हो रहे हैं, एल्योरमेंट के बेसिस पे हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात साफ साफ बोली है कि एल्योरमेंट के तौर पे आप अपने धर्म का प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, आप धर्म के आइडियाज को प्रोपोगेट कर सकते हो, मतलब दूसरों को सिखा सकते हो कि हाँ भाई ये मेरे धर्म में ये अच्छी अच्छी बातें हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रुपयों को पैसा देके या मींस देके आप एल्योर करके अपने धर्म में परिवर्तित करवा लो, ये संविधान अलाउ नहीं करता। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से बोला है कि जितने भी अलग अलग राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनका एक पोथा बना के आप हमें दीजिए। शायद यहाँ पे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार से बोले कि पैन इंडिया बेसिस पे एक प्रॉपर कन्वर्जन लॉ लेके आइए, और ये अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर ऐसा कोई जजमेंट या इंडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिर अगला जीएस पेपर टू बायलेटरल एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया जर्मनी इंक माइग्रेशन एग्रीमेंट जयशंकर डिफेंस रशियन ऑयल परचेज। तो भैया जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आना लेना बैरबॉक जी ये आई हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पे आपको एना लेना बैरबॉक जी दिख रही हैं, मंडे को उन्होंने जयशंकर साहब के साथ डिस्कशन किया। तो यहाँ पे डिस्कशन ऑब्वियसली बात है तेल के मुद्दे को लेकर, रशिया यूक्रेन वॉर के मुद्दे को लेकर होगा। तो रशियन ऑयल के रिस्पेक्ट में जयशंकर साहब ने फिर से रिपोर्टर्स को जवाब देते हुए बोला कि जितना यूरोप ने कंज्यूम किया है वॉर के बाद रशियन ऑयल, उसका बस 1/6 कंज्यूम किया है इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। और जयशंकर साहब डिफेंड कर रहे हैं इंडिया के डिसीजन को कि हमने रशियन ऑयल की इंपोर्ट की मात्रा को बढ़ाया, रीजन बीइंग कि वो हमको सस्ता मिल रहा है। अभी के लिए क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज G7 और इंडिया के बीच में टसल बढ़ेगा, रीजन बीइंग कि G7 और यूरोपियन कंट्रीज ने लगा दिया है एक ऑयल प्राइस कैप, मतलब रशियन तेल को आप $60 पर बैरल से ज्यादा में खरीद ही नहीं पाओगे। तो मार्केट में भले ही तेल के दाम $100 पर बैरल पड़ रहे हो, बट रशिया को अपना तेल बेचना है तो वो $60 पर बैरल में ही बेचेगा, और अगर इससे ज़्यादा में कोई भी कंट्री या कोई भी परचेजर रशियन ऑयल ख़रीदता है तो यूरोप, G7 और US जो लोग भी ऑयल प्राइस कैप को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके यहाँ पे काम करने वाली शिपिंग कंपनीज, इनके यहाँ पे काम करने वाली इंश्योरेंस कंपनीज अपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगी। मतलब मान लो इंडिया को रशिया से तेल मंगाना है, अब रशिया से जो तेल आ रहा है उसको लाने वाली जो शिप है, जो शिपिंग कंपनी है, ठीक है ना, वो ओवरऑल मान लो यूरोप में रजिस्टर्ड है या USA में रजिस्टर्ड है या किसी एक ऐसी कंट्री में रजिस्टर्ड है जो ऑयल प्राइस कैप को सपोर्ट कर रही है, तो वो कंपनी चेक करेगी कि क्या यहाँ पे तेल $60 पर बैरल से ज़्यादा में बेचा जा रहा है, अगर ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो वो शिपिंग कंपनी अपनी सर्विस देने से मना कर देगी। हालांकि इसका भी अल्टरनेटिव होगा इंडिया के पास, इंडिया क्या करेगा, चाइना में रजिस्टर्ड किसी वैसल पे रशिया से तेल ले आएगा या इंडिया में रजिस्टर्ड किसी वैसल से रशिया से तेल ले आएगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, हालांकि इन ऑप्शंस को जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो US और G7 कंट्रीज हमसे थोड़ा नाराज हो सकती हैं। फिर जयशंकर साहब ने अपने उसी ट्रेडमार्क तरीके से जब इनसे एक जर्मन जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स कम करेंगे, तो जयशंकर साहब ने डिफेंड किया कि देखिए भाई यूरोपियन कंट्रीज ने ज्यादा रशियन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट किया विद कंपेयर टू इंडिया, इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, हम किसी के प्रति अलाइंड या किसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। फिर अगर आप देखो तो इंडिया जर्मनी की बातचीत रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन के मुद्दे पे हुई है। जर्मनी एक ऐसी कंट्री जिसने एक्चुअल लेवल में फाइनेंशियल एड प्रोवाइड दी है इंडिया को क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ने के लिए।
फिर एट द एंड ऑफ द टास्क इंडिया जर्मनी ने कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी भी यहाँ पे साइन किया, जिसके चलते इंडिया से जर्मनी के अंदर और जर्मनी से इंडिया के अंदर लोग आ सकते हैं रिसर्च के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो एक बड़ी कंटेम्प्रेरी पार्टनरशिप यहाँ पे लागू करने की कोशिश की जा रही है इंडिया जर्मनी के बीच में। फिर जयशंकर साहब ने यह भी बोला है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान के साथ ओरिजिनेट होता है, पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता है, उसका मुद्दा भी यहाँ पे छेड़ा गया है। अब पहले क्या था दोस्तों कि यही जो एलेनोला बैरबॉक थी, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए थे कि यूनाइटेड नेशंस का रोल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स में भी यूनाइटेड नेशंस का रोल होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, पीछे से पता नहीं कुछ बहुत गंदा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बियर विद मी, कभी कभी ये कंस्ट्रक्शन होता रहता है। अब चाह के भी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं तब भी आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ बियर, कभी कभी होता है ऐसा। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का रोल होना चाहिए, कश्मीर के मुद्दे और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे यूनाइटेड नेशंस को बोलना चाहिए, ऐसा कुछ एलेनोला बैरबॉक ने बोल दिया था। इंडिया ने रिस्पांस दिया और बाद में एलेना जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि नहीं नहीं भाई, मैं तो यूनाइटेड नेशंस को कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंगेज करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मानती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे बायलेटरल मुद्दे हैं, बेटर रहेगा कि वो बायलेटरली सुलझा लें। अब पहले तो एलेना बैरबॉक ने पाकिस्तान या फिर दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स के प्रेशर में डायलॉग दे दिया होगा, यूनाइटेड नेशंस वाला जब इंडिया की तरफ से प्रेशर आया तो उन्होंने डायलॉग बदल दिया। तो ये अक्सर कर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में होता ही रहता है। ठीक है, बैरबॉक जी ने ये बोला है कि इनकी जयशंकर साहब से बातचीत हुई, ओपन एक्सचेंज हुआ ऑन इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ट्रस्ट इन एन ऑर्डर बेस्ड ऑन लॉ। फिर एलेना बैरबॉक जी ने जर्मन सरकार के जो कंसर्न्स हैं मोदी जी की गवर्नमेंट के एक्शन अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड एनजीओ को लेकर, उसको लेके भी जयशंकर साहब और बैरबॉक जी के बीच में बातचीत हुई है। जयशंकर साहब ने उनको एश्योर किया होगा कि आप चिंता मत करिए, किसी भी प्रकार के ह्यूमन राइट वॉयलेशन, जर्नलिस्ट के राइट्स का वॉयलेशन नहीं होगा इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, जीएस पेपर टू इंडिया नेबरहुड रिलेशंस, श्रीलंका इंडिया से मदद मांग रहा है अपने डेयरी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो श्रीलंका चाहता है कि वो डेयरी प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशियंट हो जाए, इसलिए टेक्निकल मदद मांग रहा है इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से और इंडिया के मार्केट लीडर अमूल से। एक्चुअली अमूल के साथ एक पार्टनरशिप और एनडीडीबी के साथ एक पार्टनरशिप लेट 1990s में भी अटेम्प्ट की गई थी, बट वो उस समय पे सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो इस समय पे श्रीलंका की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और नेशनल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इंडियन अथॉरिटीज जो कि एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से गई हैं, उनके साथ एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रही है और खुद प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे का जो मीडिया डिवीजन है इसको कवर कर रहा है। रानिल विक्रमसिंघे साहब ने कमिटी अपॉइंट की जिसमें श्रीलंका के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लोग हैं, जो कि इंडिया के एनडीडीबी के साथ इंगेज करेंगे, एक शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे जिससे श्रीलंका के अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सके और मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन भी इंडिजीनियस तरीके से बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस समय पर श्रीलंका की मैक्सिमम आबादी मिल्क पाउडर के इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट। इससे पहले श्रीलंका ने कोशिश की थी फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका बंदरनायके कुमारतुंगा के अंदर, जब इन्होंने इंडिया के मिल्क मैन वर्गीस कुरियन साहब को श्रीलंका के अंदर किरिया डेयरी प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए बुलाया था। किरिया जो शब्द होता है, जो सिन्हला लैंग्वेज है, श्रीलंकन लैंग्वेज है, उसमें मिल्क का ट्रांसलेशन, मिल्क को किरिया बोला जाता है। तो उस समय पे $20 मिलियन का ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इंडिया के एनडीडीबी और श्रीलंका के मिल्कों के बीच में, बट श्रीलंका के अंदर जो नेशनलिस्ट वर्कर यूनियंस थे उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया, श्रीलंका की जो पावरफुल बिजनेस लॉबीज थी उन्होंने इस पार्टनरशिप को अपोज किया और ये जो प्रोजेक्ट था $20 मिलियन का, ये उस समय पे चल नहीं पाया। लेकिन उसका अब खामियाजा श्रीलंका भुगत रहा है, श्रीलंका के अंदर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं डेयरी इम्पोर्ट को लेके। इनफैक्ट श्रीलंका बड़ी क्वांटिटी में मिल्क नहीं इम्पोर्ट कर सकता, इसलिए वो मिल्क पाउडर इम्पोर्ट करता है। आप अक्सर कर देखोगे जब आप श्रीलंका में जाओगे ना टूरिज्म पर्पस के लिए जाओ, वहाँ के होटलों में जाके रुको, तो आपको मिल्क पाउडर की चाय मिलेगी, दूध की चाय नहीं मिलेगी, क्योंकि दूध बहुत कम है श्रीलंका में, उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है, बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट भी इतना नहीं कर पाते कि फ्रेशली अवेलेबल मिल्क उनके पास अवेलेबल हो, तो चाय वगैरह के लिए वो मिल्क पाउडर को बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो श्रीलंका की जो डोमेस्टिक डेयरी प्रोडक्शन है वो इनकी आधी से कम रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। $300 मिलियन हर साल श्रीलंका खर्च करता है अपने डेयरी इम्पोर्ट्स में और ज्यादातर ये डेयरी इंपोर्ट्स आते हैं न्यूजीलैंड से। ओके, श्रीलंका में फ्रेश मिल्क की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट स्कार्स है, ज्यादातर बहुत सारे घरों में इनके यहाँ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और मिल्क पाउडर इस समय पे फ्रेश मिल्क से ज्यादा महंगा हो गया। अगर आप देखो तो फ्रेश मिल्क वो श्रीलंका में ₹111 प्रति लीटर में बिक रहा था और 1 किलो मिल्क पाउडर ₹290 का बिक रहा था। श्रीलंका में बहुत सी फैमिलीज है इस समय पे जिनके पास दूध
और मिल्क पाउडर दोनों की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है। बच्चों को बहुत सारी जगहों पे कम दूध पीने को मिल रहा है और बहुत सारे घरों में डेयरी इंटेक को रैशनलाइज किया गया। जैसे बहुत सारे लोग जो पहले दूध या दूध के पाउडर की चाय पीते थे, उन्होंने प्लेन चाय पीना शुरू कर दिया, रीजन बींग दूध है ही नहीं। इंडिया के साथ साथ श्रीलंका डेयरी प्रोडक्ट्स में अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड के साथ भी कॉपरेट कर रहा है, बट न्यूजीलैंड तो हमेशा चाहेगा कि उनके यहाँ का मिल्क प्रोड्यूस हमेशा श्रीलंका में बिके। न्यूजीलैंड कभी नहीं चाहेगा कि श्रीलंका डेयरी प्रोडक्शन में सेल्फ सस्टेनेबल हो, क्योंकि न्यूजीलैंड एक साइजेबल क्वांटिटी में डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। इसको फाउंड किया गया था 1965 में टू रिप्लेस एक्सप्लॉयटेशन विद एम्पावरमेंट, ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, स्टैग्नेशन विद ग्रोथ, डेयरिंग इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज रूरल पीपल। तो डेयरिंग को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म करिए जिससे इंडिया के गांव के लोगों का डेवलपमेंट हो। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया का एक सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। पहले ये इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन हुआ करता था, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को मिला लिया गया। ठीक है, ये जो इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन था ये कंपनी बनी थी, रजिस्टर्ड थी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, लेकिन NDDB एक्ट 1987 के थ्रू NDDB को ओवरऑल इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन के साथ मिला लिया गया। काफ़ी सालों तक NDDB और इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन ने अलग अलग काम किया, विद इफेक्ट फ्रॉम 12th of October 1987 दोनों एक ही हो गए। जब से ओवरऑल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना है, इंडिया के डेयरी प्रोग्राम्स की रिलायंस को यह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो डेयरी डेवलपमेंट है मिल्क प्रोड्यूसर्स का, प्रोफेशनल्स का, इनको अच्छी अच्छी सुविधाएं देना, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना, ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को के नो हाउ को लोगों तक पहुंचाना, डेयरी प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाना, ये सब कर रहा है NDDB। नेक्स्ट न्यूज, GS पेपर 1, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज माइग्रेशन। नंबर ऑफ पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड क्रॉसेस 100 मिलियन इन 2022। तो एक रिपोर्ट निकाली गई है, टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, अ डेवलपमेंटल अप्रोच टू सॉल्यूशंस। ये रिपोर्ट निकाली गई UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट का बोलना है कि 2022 में 100 मिलियन से ज्यादा लोग फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए हैं और इसमें से ज्यादातर डिस्प्लेस अपनी ही कंट्री में हुए हैं। तो डिस्प्लेस होने का मतलब ये नहीं कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में गए। जैसे सीरिया वॉर के चलते बहुत सारे लोग सीरिया से निकल के ग्रीस पहुंचे, जर्मनी पहुंचे, टर्की पहुंचे, क्योंकि उनको मजा नहीं आ रहा था अपने देश में रहने में। बहुत बम फट रहे थे, कभी भी एक बम उनके घर पर आके गिर सकता था, तो वो खतरनाक तरीके से सी को क्रॉस करते हुए यूरोप के अंदर जा रहे थे। तो ये डिस्प्लेसमेंट था, बट ये इंटर कंट्री डिस्प्लेसमेंट था। इंट्रा कंट्री डिस्प्लेसमेंट भी बहुत हुआ, मतलब अपने ही देश के एक इलाके से दूसरे इलाके में जाके आप सेटअप हो रहे हो बेसिक एम्यूनिटीज़ की तलाश में, डिसेंट वर्क, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में। 2021 में अगर आप देखो तो कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से 59 मिलियन पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए थे। 2022 ने तो हद ही क्रॉस कर दी, 100 मिलियन से ज़्यादा लोग फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए हैं 2021 में। ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ था ना लोगों का, इसकी कॉस्ट बताई गई है लगभग $21.5 बिलियन। मतलब एक इंडिविजुअल जब एक कंट्री के अंदर अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको घर की सुविधाएं अवेलेबल करवाना, हेल्थ की, एजुकेशन की, खाने पीने की, सिक्योरिटी की सुविधाएं अवेलेबल करवाना। तो इसमें ओवरऑल $21.5 बिलियन का खतरा है, मतलब खर्चा है। मतलब 2021 में जो लोग अपनी ही कंट्री के अंदर एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह गए हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए $21.5 बिलियन सरकारों ने खत्म किए। अगर आप देखो तो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन का नंबर कोलंबिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, न्यूगिनी, सोमालिया, विनोटा, इसमें काफ़ी अच्छा खासा है। यूक्रेन में तो देखो है ही, यूक्रेन की तो बात ही यहाँ पे मत करो, वहाँ तो जंग चल रही है। बाकी कंट्रीज में भी बहुत अच्छा खासा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके हाउस होल्ड की जो इनकम है वो 48% गिरी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट से पहले उनकी हाउस होल्ड की जो इनकम थी मान लो 100 रुपए थी, ठीक है ना, तो 48% इनकम उनकी गिर गई, मतलब 52 रुपए हो गई। तो जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं लोग उनकी जो इनकम है वो डिस्प्लेसमेंट के बाद जबरदस्त तरीके से गिरी है। ये जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं इन्होंने 30% लोगों ने अपनी जॉब खो दी, 24% लोग उस हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे जितना वो पहले कमा रहे थे। ओके, जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन है उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में इंटरप्शन आया है। ओके, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन में 31% लोगों की हेल्थ पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है और बहुत हद तक इस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिजास्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया भर में बहुत प्रकार के डिजास्टर्स हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रखे हैं, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया है, कहीं पे बहुत तगड़ी हीट वेव आ रखी है, कहीं पे जंग हो रही है।
तो डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट हुआ है 130 कंट्रीज और टेरिटरीज में 2021 में लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, और 2022 में भी ठीक ठाक डाटा सामने निकल के आ रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये जो रिपोर्ट यहाँ पे निकाली गई है, रिपोर्ट का टाइटल आपको पता है, टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अ डेवलपमेंटल अप्रोच टू सॉल्यूशन। इसमें 5 की पाथवेज बताए गए हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को टैकल करने के लिए। एक है स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, दूसरा है बूस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जॉब्स एंड वाइटल सर्विसेज, तीसरा रिस्टोरिंग सिक्योरिटी, चौथा इनहेंसिंग पार्टिसिपेशन, पांचवा क्रिएटिंग सोशल कोहेजन। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके साथ डिस्कस की। फिर आ जाते हैं एडिटोरियल पर। अगर अब तक आपने वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया जरूर दबा दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस क्या, एक ट्रेंड को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं निधि कैकर जी, आशी गुप्ता जी, राधव गहा जी, क्या बोल रहे हैं। एक जर्मन फिलोसफर को यहाँ पे कोट किया जा रहा है, आर्थर शोपेनहावर। जर्मन फिलोसफर का क्या बोलना है कि लाइफ एक पेंडुलम की तरह स्विंग करती है, एक तरफ दर्द है, एक तरफ बोर्डम है, दर्द और बोर्डम के बीच में। ओके, अभी COVID-19 के पेंडेमिक में दर्द और बोर्डम एक साथ हो गया। कैसे? हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी से निकाला गया, बड़े स्केल पे लोगों की मौतें हुई, तो पेन और ट्रोमा दोनों था लोगों को। उसके साथ साथ मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, सिनेमा हॉल बंद, रेस्टोरेंट बंद, वेडिंग सेरेमनी नहीं है, सोशलाइज नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते आप लोग, तो उसकी वजह से लोग बोर। तो एक ही समय पर COVID-19 पेंडेमिक दर्द भी ले आया और बोरियत भी ले आया। ये सब डाटा एक्चुअली में 8 वेव्स ऑफ CMIECPHS सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे करवाता है, उससे निकल के आ रहा है। तो और उसके बेसिस पे ये जो जर्मन फिलोसफर हैं आर्थर शोपेनहावर, इनके इस फैक्ट को प्रूव किया जा रहा है कि ठीक है भाई, पेन और बोर्डम तो होता है, बट COVID-19 पेन और बोर्डम दोनों को एक साथ यहाँ पे ले आया। सब्सटेंशियल इनकम लॉसेस देखने को मिले हैं, लो इनकम हाउसहोल्ड्स की कमर टूट गई चूंकि कमाई कम हो गई है। अब इस कंटेक्स्ट में दो चीजों के ऊपर बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे ध्यान दिया गया है, एक तो फूड एक्सपेंडिचर, दूसरा सोशलाइजिंग। फूड एक्सपेंडिचर मतलब आप अपने खाने पीने पे कितना खर्च कर रहे हैं, सोशलाइजिंग मतलब आप घूमने फिरने पे, टूरिज्म पे जाने में, दूसरे लोगों के साथ मिलके पार्टी वगैरह करने में कितना खर्च कर रहे हैं। सोशलाइजिंग का मतलब एक फॉर्मल पार्टी नहीं कि आप घर में या क्लब में आपने 5-6 लोगों को बुलाया, आपके एक दो दोस्त भी आ गए, उनके साथ बैठ के आप खाना पीना खा रहे हो, ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो, वो भी सोशलाइजिंग के अंदर आ जाता है। और इसको मेजर किया गया है रूरल और अर्बन इलाकों में। अर्बन इलाकों में अगर आप बात करो तो रिलेटिवली एफ्लुएंट लोग रहते हैं, ये वो एफ्लुएंट लोग हैं जो कि सोशलाइजिंग में, ट्रेवलिंग में, टूरिज्म में, फूड एक्सपेंडिचर में थोड़ा आगे थे। अब ऐसा नहीं है कि अर्बन इलाकों में सब अमीर ही हैं, अर्बन इलाकों में कुछ गरीब लोग भी हैं, बट अगर आप रूरल इलाकों से कंपेयर करोगे तो अर्बन इलाकों के लोगों के पास पैसा थोड़ा ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब COVID-19 पैंडेमिक आया तो सबसे ज्यादा सोशलाइज करने वाले लोग अर्बन इलाके के लोग थे, ठीक है ना। तो इनके अंदर सबसे पहले कोरोना बहुत तेजी से फैला। अब जब कोरोना फैला तो कहीं ना कहीं अर्बन इलाके के लोगों की इनकम पे भी इफेक्ट आया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं मुकेश अंबानी और एलॉन मस्क जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी माइनॉरिटी हैं, बहुत हैंडफुल बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हैं दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, तो मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। जो बिलियनियर हैं, मिलियनियर हैं, उसने तो COVID-19 पैंडेमिक के समय पर बहुत कमाया। मैं मेरे आपके जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो शहरों में रहते हैं, नौकरियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं COVID-19 की पैंडेमिक की वजह से ठीक ठाक नौकरी करने वाले लोगों की इनकम पे भी इम्पैक्ट आया है। तो जब आपकी इनकम पे इम्पैक्ट आएगा तो जो फूड एक्सपेंडिचर है आपका एज अ प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम वो बढ़ेगा। चूंकि मान लो पहले आप कमा रहे थे 150 रुपये प्रति महीना और इसमें से आप खर्च कर रहे थे 20 रुपये प्रति महीना, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, 20 रुपये में से 150 रुपये में से 20 रुपये खत्म किए तो 20 / 150 × 100, तो मान के चल लो 200/15, आप लमसम कह लीजिए 13% या 14% अपनी इनकम का खाने पे खर्च कर रहे हो। लेकिन जब पेंडेमिक आया तो भैया आपकी इनकम हो गई 120 रुपये प्रति महीना और 20 ही रुपये आप कह लीजिए आपकी मतलब फूड पे एक्सपेंडिचर रहा, तो अब 16 से 17% अपने खाने पे आप एक्सपेंड कर रहे हो। मतलब आपकी कमाई गिरने की वजह से और आपका फूड एक्सपेंडिचर स्टेबलाइज उतना ही रहने की वजह से ओवरऑल जो आपके फूड में जो खर्चा था वो आपकी इनकम के प्रोपोर्शन में बढ़ गया, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पे कम हुई है। अब इसके साथ अगर आप ये फैक्टर जोड़ दो कि फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है फूड इन्फ्लेशन आया, पूरी दुनिया में आया है, फूड प्रोडक्ट्स के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, गेहूँ, प्याज, टमाटर, चावल सबके दाम बढ़े हैं,
तो एक तो आपकी इनकम कम हो रही है, दूसरा आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो बढ़ रहा है क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते जो फूड एक्सपेंडिचर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम ये और ज्यादा बढ़ गया। तो इस कंटेक्स्ट से देखा जाए तो भाई फूड इनकम स्टेबलाइज करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे सेक्शंस इन द अर्बन इलाकों में देखा गया है कि लोगों के पास डिस्क्रिशनरी पावर है स्पेंड करने की, मतलब लोग तब भी खर्च कर रहे हैं खाने पीने के ऊपर, और उसके साथ साथ जिसके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है ना खर्च करने के लिए, वो सोशलाइज भी ज्यादा कर रहा है। समझे आप बात को? वो सोशलाइज भी ज्यादा कर रहा है, मतलब ओवरऑल एक इंसान जिसकी इनकम इफेक्ट हुई है कोविड पैंडेमिक के समय पर अर्बन इलाकों में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भले ही उसकी इनकम थोड़ी कम हुई है लेकिन अभी भी वो अफोर्ड कर सकता है खाने पे ज्यादा खर्चा, और जो खाने पे ज्यादा खर्चा अफोर्ड कर सकता है वो सोशलाइजिंग पे भी खर्च कर रहा है, मतलब वो दोस्तों के साथ मिल रहा है, पिक्चर वगैरह जा रहा है, बियर पी रहा है, चिकन मटन घर पे बना के खाया जा रहा है, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा है तो टूरिज्म पे निकल गए, तो सोशलाइजिंग की टेंडेंसी भी अर्बन इलाकों में बढ़ती हुई नजर आई है। अब ऑब्वियस ही बात है अर्बन में जो लोअर मिडिल क्लास वाला तबका है या जो गरीब तबका है वो ओवरऑल टूरिज्म पे ज्यादा नहीं जाएगा, बट हम एक ट्रेंड की बात करें कि जिनके पास डिस्क्रिशनरी फंडिंग के फंड्स अवेलेबल थे उन्होंने अपना फूड का एक्सपेंडिचर ही बढ़ाया, साथ साथ सोशलाइजेशन का एक्सपेंडिचर ही बढ़ाया। अब इसी चीज को अगर आप गाँव में जाके कंपेयर करते हो तो गाँव में क्या है कि एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर की अगर आप बात करो तो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वही तो धान पैदा कर रहे हैं, अब इस धान को जाके वो मार्केट में बेचेंगे, तो मार्केट में धान का ज्यादा पैसा मिल नहीं रहा, इसलिए बहुत बड़ा स्टॉक पॉइल इन गांव के लोगों के पास बच जाएगा। तो गांव के लोगों का जो फूड एक्सपेंडिचर है वो कंपेरेटिवली आपको कम होता नजर आएगा, क्योंकि वो जो पैदावार कर रहे हैं वो पूरी तरीके से मार्केट में बिक नहीं रही, एक बड़ा क्वांटम उनके पास बचा हुआ है, तो नो डाउट फूड एक्सपेंडिचर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर टोटल इनकम वो कम हो जाएगा रूरल इलाकों के लोगों में, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर रूरल इलाके में हो रहा है, वहीं पर पैदावार हो रही है। सोशलाइजिंग की बात करो तो गांव के लोग किस प्रकार से सोशलाइजिंग करेंगे, भाई चौपाल लग जाएगी, ठीक है ना, एक भोज करा दिया जाएगा गांव के अंदर, गांव के लोग अपने हिसाब से खर्चा करते हैं, एक शादी का फंक्शन हुआ उसमें 5-10 हज़ार रुपए में पूरे गांव ने खा लिया, बहुत अच्छा खाना बना, तो इस प्रकार की सोशलाइजेशन एक्टिविटीज रूरल इलाकों में भी देखने को मिली। तो गांव के इलाकों में भी जो थोड़े वेल ऑफ फार्मर्स थे उनका जो प्रपोर्शन था फूड एक्सपेंडिचर का एज अ ओवरऑल टोटल इनकम वो घटता हुआ नजर आया, क्योंकि जो भी उन्होंने पैदावार की वो पूरी नहीं बेची, बहुत सारी अपने लिए रख ली या आसपास के गांव के लोगों को बेच दी सस्ते में, तो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम फूड जो एक्सपेंडिचर था वो घटा, लेकिन सोशलाइजेशन एक्सपेंडिचर गांव वालों का भी बढ़ा, क्योंकि गांव वालों के पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे बाहर जाके काम करने के, तो उन्होंने अपने गांव के अंदर ही सोशलाइज करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं बताऊंगा कि ये जो ट्रेंड है ना दोस्तों, ये आप किसी भी नोट में लिखिए मत, क्योंकि ये ट्रेंड एक स्पेसिफिक तबके के लोगों को इफेक्ट करता है। इस प्रकार के बहुत सारे वेराइन ट्रेंड आपको हमारे अर्बन इलाकों में भी मिल जाएंगे, आपको हमारे रूरल इलाकों में भी मिल जाएंगे। इस प्रकार का ट्रेंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मान लो मेरे पास पैसे हैं, खूब सारे पैसे हैं, और आपके पास भी खूब सारे पैसे हैं, मेरे लिए घूमना फिरना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक आईफोन खरीदो, मेरे लिए कि नहीं नहीं भाई मैं तो वीवो वाले से काम चला लूंगा। तो ओवरऑल इस प्रकार के खर्चे परसेप्शन पे भी डिपेंड करते हैं, आप एक जर्नलिस्ट ट्रेंड नहीं बना सकते हो, बट फिर भी ठीक है, ऑथर ने यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बताया था, वो व्यू पॉइंट आपने मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं फूड का एक्सपेंडिचर और जो सोशलाइजिंग का एक्सपेंडिचर है उसको मेंटल हेल्थ के साथ भी यहाँ पे ऑथर ने जोड़ा है। कोविड-19 के समय पे लोगों की मेंटल हेल्थ हिलने लगी थी, साथ के लोगों की जाने जा रही थी, घर में वो बंद पड़े थे, कमाई ठीक तरीके से आ नहीं रही थी, तो सोशलाइजिंग को उसके साथ भी जोड़ा गया कि हाँ भाई सोशलाइजिंग एक प्रकार का मेंटल रिलीफ देती है लोगों को, जिससे ओवरऑल उनको अपनी लाइफ में एक पर्पज नजर आता है, अगर वो घर पे बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो इस कंटेक्स्ट में भी यहाँ पे बात की गई। ठीक है भाई, फिर अगला क्लाइमेट टॉक्स एज शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ, मुकुल सनवाल साहब ने इस आर्टिकल को लिखा। भाई पब्लिक लॉ में फ्रॉड होते अगर आपने देखना है तो वो यहाँ पे समझा रहे हैं। पब्लिक लॉ में फ्रॉड मतलब आप लोगों के लिए एक लॉ बना रहे हो और वो लॉ अपने आप में इनइक्विटेबल है, फ्रॉडिया है, वो क्लाइमेट नेगोशिएशन से हमें देखने को मिलता है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुआ शर्म अल शेख इजिप्ट में, और वहां पे कोई पॉलिसी डिबेट देखने को नहीं मिली, एक प्रकार का क्लाइमेट फ्रॉड देखने को मिला। क्लाइमेट ट्रीटी के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रही है डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। डेवलप्ड कंट्री के जो सिटीजन है ना वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड के नेशनल एमिशन से उनका 2/3 उनकी डाइट, ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल सेक्टर से आता है।
ये जो पॉलिटिकल क्लास है ना इन डेवलप्ड कंट्रीज की, वो अपने लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो उनके लिए पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाए। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द एनवायरमेंट, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एडवाइजरी कमेटी थे, उन्होंने क्या बोला, अर्बनाइजेशन हैज चेंज द नेशन विद 75% ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया, वी मस्ट सी अवर सेल्फ नॉट ओनली एज विक्टिम्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बट एज एनवायरमेंटल एग्रेसर्स एंड चेंज अवर पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एडवाइजरी कमिटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनके कंजम्पशन और प्रोडक्शन के जो ट्रेंड्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। एक साइंटिफिक कमिटी भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सेटअप की थी और उन्होंने बोला था कि इनकी लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने इकोलॉजिकल बर्डन को कम कर सकें, लेकिन उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि उनके इकोलॉजिकल बर्डन को कम करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का जो कंजम्पशन करते हैं लोग वहाँ पे, उसको भी कम करना पड़ेगा और वो पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाएगा। अब कैसे एक देश की सरकार यूएस का राष्ट्रपति और सेनेटर्स और जो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो लोगों को बोलेंगे कि ठीक है भाई आप कम रिसोर्सेज को कंज्यूम करो। यूएस में तो वैसे भी हैविली कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट है, वहाँ के लोग खाने में उड़ाने में भरोसा रखते हैं, जितना कमाओ उतना उड़ाओ उस प्रकार का वो भरोसा रखते हैं, महंगी महंगी कारें खरीद रहे हैं उससे घूम फिर रहे हैं। अब आप उनको ज्ञान दोगे कि एक कार में चार लोग बैठ के जाओ, ठीक है ना, मेट्रो से जाओ, एक पैसा कमाने वाला आदमी बोलेगा कि मैंने इसलिए पैसा कमाए कि मैं मेट्रो से ट्रेवल करूँ। तो जो कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड है इन डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों का, लोग उस एटीट्यूड को बदलना नहीं चाहते, वहां की सरकारें लोगों को फोर्स कर नहीं रही हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ये लोग क्या चाहते हैं डेवलप्ड कंट्री वाले, कि डेवलपिंग कंट्री में जो लोग रहते हैं वो गरीब हैं, वो गरीबी बने रहें। तो डेवलपिंग कंट्री में मेरे आपके जैसे लोग अगर पैसा कमा के कार खरीदें तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम उस कार को ना चलाएं, हम मेट्रो में ट्रेवल करें। हालांकि ज़्यादातर इंडिया में लोग चिल्लर ही हैं, वो मेट्रो और बस में ट्रेवल करते हैं भले उनके पास कार हो, रीज़न मीन कि कौन तेल का खर्चा देगा। बट कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना में लोगों का वैसे भी कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज हमसे और एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम बिल्कुल ही सस्टेनेबल और गरीब तरीके से जिएं और उनकी कंट्री में लोग सारे रिसोर्सेज उड़ाएं। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के लोग अपनी अर्बन लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते और डेवलपिंग कंट्री के लोगों के ऊपर उल्टे सीधे आप कह लो रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में जो सीमेंट और स्टील स्ट्रक्चर के डेवलप होने की जरूरत है ना, इसके एमिशंस को डिस्काउंट करने के लिए तैयार ही नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्री में सीमेंट और स्टील सेक्टर से जो एमिशंस हैं वो कम हो। अरे क्यों कम हो भाई, तुमने तो एक ऐसे समय पे अपने स्टील सीमेंट सेक्टर को डेवलप किया और अनहिंडर्ड तरीके से एमिशन किए, और आज की डेट में जब एमिशंस को हिंडर करने की बात आ रही है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज अपना पल्ला झाड़ रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया चाइना के ऊपर सारा का सारा इल्जाम मत दे रही हैं कि हाँ भाई तुम ह्यूमन राइट्स देखो, तुम पॉलिसी स्पेस देखो, तुम अपने क्लाइमेट एमिशंस को कम करो वगैरह वगैरह। और इसके लिए देखिए तो रिसेंटली जो डिस्कशंस हुए हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल, ये जो IPCC 2018 में जो क्लाइमेट ट्रीटी COP 26, 27, 25, इन सारे नेगोशिएशंस में आप एक खास बात देखोगे कि लोग किस प्रकार से अपनी जिंदगी जीनी है, ये डेवलप्ड कंट्रीज अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश नहीं करते, वो बस इंटरनेशनल एमिशंस को कम करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा देके अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइडलाइन करना चाह रहे हैं। जो पैसा तय हुआ था 2009 में प्रति साल $100 बिलियन देने का 2020 तक, वो भी उन्होंने यहाँ पे पूरा नहीं दिया है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में लाके अपने देश के लोगों की लाइफस्टाइल को बदलने की बात कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाएगा। 2035 तक डेवलप्ड कंट्रीज दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, 1/6, और ये 30% कंज्यूम करेंगे ओवरऑल ग्लोबल एमिशंस का, और वहीं पे एशिया में दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी रहती है और वो 40% कंज्यूम करते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कहाँ 50%, कहाँ 16% वो ऑलमोस्ट हमारे बराबर कंज्यूम कर रहे हैं पॉलिसी स्पेस में, ग्लोबल हाउस गैस एमिशंस में, और उसके बाद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे। इंडिया ने जो लाइफ के ऊपर फोकस किया ना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसको पूरी तरीके से इग्नोर करती है डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि ये जो मोदी जी का नारा है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये एक्चुअली में मेन मुद्दे पे आता है, वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये डेवलप्ड कंट्री के लोग वेस्टफुल कंजम्पशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का और उसकी अपने ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी भी लेना नहीं चाहते। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई।
फिर आ जाते हैं नो यूनिफॉर्मिटी इन पैरोल एंड फर्लो रूल्स। तो देखिए भाई, आर के विज साहब ने आर्टिकल लिखा है, फॉर्मर स्पेशल डीजीपी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। अभी क्या हुआ कि डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह, जो कि 20 साल की सजा काट रहे हैं दो डिसिपल्स को रेप करने के लिए, ये क्या हुआ पैरोल पे बाहर आए और इन्होंने एक सत्संग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। सत्संग में अच्छे खासे लोग आए, तो इस कंटेक्स्ट में काफी बवाल हुआ, मीडिया में रिपोर्टिंग हुई। फिर अभी एस नलिनी करके राजीव गांधी असैसिनेशन केस की एक कन्विक्ट थी, इसको कई बार पैरोल दिया गया, ठीक है, दिसंबर 2021 पे पैरोल पे थी, इसकी पैरोल को एक्सटेंशन दिया गया। तो अब अगर आप देखो तो पैरोल और फरलो के नियम कानूनों को कौन तय करता है? सबसे खास बात, ये पैरोल और फरलो में फर्क क्या होता है? तो मान लो आपको 5 साल की सजा हुई, इस 5 साल की सजा में आप मिनिमम अमाउंट ऑफ सजा काट के, मान लो 1 साल मिनिमम अमाउंट ऑफ सजा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सजा अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, तो मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ सजा काटने के बाद आप पैरोल या फरलो के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पैरोल क्या है कि आपकी सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो मतलब अगर आपको 2 महीने का या 1 महीने का पैरोल दिया गया तो उस 1 महीने के टाइम पीरियड में आपकी सजा एग्जीक्यूट नहीं कर दी गई है, आप बाहर निकल सकते हो जेल से और जाके घर के किसी फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फरलो में नॉर्मल कर क्या होता है कि अगर 1 महीने के लिए आपको फरलो दिया गया है तो 1 महीने के लिए आप जेल से बाहर रहोगे, लेकिन ये 1 महीना आपकी सजा में काउंट होगा, और पैरोल में वो 1 महीना आपकी सजा में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो 5 साल की अगर आपको सजा दी गई, बीच में 1 महीना आप पैरोल पर रहे, तो 5 साल के बाद 1 महीना और एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा, बट फरलो में ऐसा नहीं है। ये मैंने एक बेसिक फर्क आपको बता दिया। बहरहाल मेन मुद्दे पर आ जाते हैं इस आर्टिकल, पैरोल और फरलो कितना कितना है अलग अलग स्टेट्स में। तो देखिए भाई, प्रिजंस एक्ट का सेक्शन 59 राज्यों को एम्पावर करता है कि वो सेंटेंसेस को शॉर्टन कर सकते हैं और गुड कंडक्ट का रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं पैरोल और फरलो ये दोनों भी कुछ हद तक राज्य की सरकार के अंदर आते हैं। अब अलग अलग राज्यों के रिस्पेक्ट में हल्की फुल्की जानकारी आपको देता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ये बोलती है, एक तो उत्तर प्रदेश की सरकार ना पैरोल शब्द का इस्तेमाल करती है, ना फरलो का, ना लीव का। उत्तर प्रदेश की सरकार करती है कि हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं अमूमन 1 महीने तक के लिए, ठीक है। ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश के गवर्नर का अप्रूवल हो तो। मतलब ओवरऑल एक कैदी जो उत्तर प्रदेश की जेल में सजा काट रहा है वो 1 महीने से लेकर 12 महीने से ज्यादा तक के लिए ओवरऑल जेल से बाहर रह सकता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ अथॉरिटीज। वहीं पे महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र में कन्विक्ट को फरलो पे छोड़ा जा सकता है 21 दिन के लिए या 28 दिन के लिए, डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल सजा कितनी बड़ी है। इमरजेंसी पैरोल महाराष्ट्र में 14 दिन की दी जाती है, रेगुलर पैरोल 45 से 60 दिन की दी जाती है। रिसेंटली हरियाणा में कुछ रूल्स कमेंट किया गया और यह बोला गया कि रेगुलर पैरोल दी जा सकती है कन्विक्ट को 10 हफ्ते तक के लिए, और वो दो हिस्सों में दी जाएगी, एक बार 3 से 4 हफ्ते में और एक बार इमरजेंसी पैरोल आप 4 हफ्ते तक की भी दे सकते हो। तमिलनाडु रूल्स 1982 में ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है कैदी को 21 से 40 दिन की, इमरजेंसी लीव दी जा सकती है 15 दिन की। बेसिकली ये अलग अलग राज्यों के रिस्पेक्ट में जानकारी दे रखी, जैसे ओडिशा में फरलो 4 हफ्ते का दिया जा सकता है, पैरोल लीव 30 दिन की दी जा सकती है, स्पेशल लीव 12 दिन की दी जा सकती है, वेस्ट बंगाल में पैरोल 1 मंथ की दी जा सकती है और इमरजेंसी में 5 दिन और तक बढ़ाए जा सकते हैं, केरला में ऑर्डिनरी लीव 60 दिन की होती है 4 स्पेल्स में, इमरजेंसी लीव 15 दिन की होती है। तो भाई ये सब क्या बताया जा रहा है? ये सब ये बताया जा रहा है कि पैरोल फरलो या सेंटेंस के बीच में जो गैप होता है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अलग अलग राज्य की सरकार ने प्रिजन एक्ट में दिए गए नियम कानूनों के हिसाब से कितने समय के लिए पैरोल देनी है, कितने समय के लिए फरलो देना है, ये यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और यूनिफॉर्मिटी को लाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैरोल और फरलो देना, स्पेशल लीव देना, ये राज्य की सरकार के एम्बिट के अंदर आता है प्रिजन एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक केंद्र की सरकार का कानून तब बन सकता है जब कम से कम 50% आधे से ज्यादा राज्य आके केंद्र की सरकार से यहाँ पे गुहार लगाएं कि आप एक सेंट्रलाइज नियम कानून और रूल्स इस रिस्पेक्ट में बनाइए, जो कि ज्यादातर राज्य की सरकारें लगाएंगी नहीं, वो अपने अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं। तो पैरोल और फरलो रूल की स्पेक्ट में हमने यहाँ पे बातचीत की, ठीक है भाई। फिर रिसेंटली प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन, अभी सुप्रीम कोर्ट में परपोर्टेड PIL पहुंची है, ठीक है ना। देखिए कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में शाह साहब जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी क्या बातचीत थी ये मैंने आपको बताया। अब गुजरात की सरकार ने एक नियम कानून निकाला था 2021 में, एक्चुअली में एक अमेंडमेंट निकाला था, गुजरात के अंदर है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003, इसके सेक्शन 5 को 2021 में अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बोला गया कि भाई शादी के बिहाफ पे अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो, एक तो पहली बात इंटरफेथ मैरिजेस में जब धर्म परिवर्तन होगा तो वो इलीगल कन्वर्जन हो जाएगा, और अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो आपको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को।
अब ये जो नियम कानून लाए गए अमेंडमेंट में गुजरात की सरकार के द्वारा, इसको गुजरात की हाईकोर्ट ने रोक दिया। अब गुजरात की हाईकोर्ट ने जो रोका, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात की सरकार हाईकोर्ट में पहुंच गई है और बोल रही है कि अपने इस नियम कानून को रिव्यू करिए। और ये बोल रही है कि आपने ओवरऑल इसको रोक दिया, इसके चलते जो जेन्युइन इंटरफेथ मैरिजेस हैं वो भी यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली में जो ऑथर है उसका ये आइडियोलॉजी है कि जो इंटरफेथ मैरिजेस की वजह से जो कन्वर्जन वगैरह होते हैं, अब देखिए कन्वर्जन दोस्तों एक ऐसा मुद्दा है जो आपके पर्सनल परसेप्शन पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलेंगे कन्वर्जन सही है, जो कन्वर्जन की विचारधारा को सही मानते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ये गलत है, कुछ लोग बोलेंगे कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन की न्यूज़ वगैरह में आ रही है कुछ गलत है, कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार की न्यूज़ आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से डेसिफर करते हो। हाईकोर्ट ने तो ये बोल दिया कि भाई देखो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कन्वर्जन से पहले परमिशन लेने के लिए इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो तुमने ये बोला है कि इंटरफेथ मैरिजेस में जब आप धर्म परिवर्तन करते हो ये इलीगल है, ये दोनों नियम कानून गलत है, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट ने बोल दिया। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दी गुजरात हाईकोर्ट ने, साथ साथ गुजरात हाईकोर्ट हाईकोर्ट के पास भी जाके बोल रहा है कि नहीं भाई तुम्हारा ये डिसीजन गलत है, इसको हटाओ, इसके चलते जो जेन्युइन इंटरफेथ मैरिजेस हैं वो भी रुकी पड़ी। अभी इस बीच में जस्टिस एम आर शाह साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि एल्योरमेंट या चैरिटी के नाम पे अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हो तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। अगर आप चैरिटी करना चाहते हो तो जेन्युइनली चैरिटी करो, जेन्युइनली किसी की मदद करो, मदद करने के बिहाफ में तुम फायदा मांगो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये केस किस तरफ जाएगा ये तब पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर मैटर में अपना फाइनल जजमेंट देगा। और फाइनली भाई ईरान के अंदर तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिजाब लॉस के अगेंस्ट मोरालिटी पुलिस के अंदर। इस बीच में ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंतेरी साहब ने बोला है कि मोरालिटी पुलिस को हटा दिया गया, लेकिन प्रोटेस्ट अभी रुके नहीं। अब खास बात यह है कि मोरालिटी पुलिस को हटाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं आया, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट जितना जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है। अभी क्या है, ये जो प्रोटेस्ट हुए उसमें हंड्रेड्स की तादाद में लोग मारे गए हैं, सरकार थोड़ा बैकफुट पे है। जो कुछ भी यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने बोला है उसको सरकार ने रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मोरालिटी पुलिस को भी यहां पे अबॉलिश नहीं किया गया। मोरालिटी पुलिस को अगर अबॉलिश कर भी दिया जाता है तो ये प्रोटेस्टर्स को प्लेसेट करने के लिए इनफ है या नहीं है इसके बारे में भी हमें ज्यादा पता नहीं है। इस समय पे क्या है कि ईरान की रूलिंग क्लास में ना ज्यादातर कंजर्वेटिव तबके ही है, बीच में कुछ मॉडरेट प्रेसिडेंट भी आए थे जैसे प्रेसिडेंट मोहम्मद खतामी, प्रेसिडेंट हसन रूहानी, ये मॉडरेट थे। इन मॉडरेट प्रेसिडेंट के समय पे ओवरऑल कुछ वुमेन्स थोड़ी लिबरल ड्रेसिंग पहन के घूम भी रही थी, लेकिन ओवरटली कोई भी प्रेसिडेंट पूरी तरीके से मॉडरेट नहीं हुआ, पूरी तरीके से उसने कंजर्वेटिव का चोगा नहीं छोड़ा है। एक्चुअली में ईरान एक थियोक्रेसी है, रूल बाय रिलीजियस लीडर्स, और रूल बाय रिलीजियस लीडर्स में सिस्टमैटिक चेंज आए, पूरी तरीके से आजादी मिले लोगों को, औरतों को, इस बात के चांसेस देखिए बहुत ज्यादा कम है। ईरान की चाहे प्रेसिडेंसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मजलिस हो, चाहे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हो, वो सब हार्डलाइनर्स के हाथ में, और ये हार्डलाइनर्स धर्म के रिस्पेक्ट में अपनी ताकत को छोड़ेंगे, वुमन को एक लिमिट से ज्यादा आप कह लो लीनियंसी देंगे रिफॉर्म्स में, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और अगर ईरान की सरकार ने अपना स्ट्रांग स्टैंस नहीं छोड़ा तो प्रोटेस्ट भी लगातार बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और ये जो प्रोटेस्ट है वो ईरान की सरकार को एक बड़ा सेटबैक दे सकते हैं इंटरनेशनल इमेज के मामले में भी और रूल के मामले में भी। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सर लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।